जदयू महादलित प्रकोष्ठ के भइल विस्तार। आज नौतन प्रखंड में जदयू महादलित प्रकोष्ठ के बैठक भइल हो, जौना में जदयू के महादलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संतोष बांसफोर जी प्रखंड अध्यक्ष के नियुक्त कैनी है। जी हाँ, संतोष बांसफोर जिलाध्यक्ष महादलित प्रकोष्ठ जदयू नौतन प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष के पद पर परमात्मा कुमार राम जी के अध्यक्ष मनोनीत कैनी है। आज यह शुभ घड़ी में मोहन प्रसाद राजभर, डॉक्टर सुरेश प्रसाद, रविंद्र सिंह कुशवाहा, राजकुमार ठाकुर, ओम प्रकाश राम तीनों अध्यक्ष नौतन जीरादेई मैरवा, परमात्मा राम अध्यक्ष उमेश सिंह, मदन राम, यूनुस खान, कृष्णा शर्मा, ओम प्रकाश गुप्ता, सुनील कानू, शंभु गुप्ता, जयप्रकाश भगत इत्यादि मौजूद रही हैं। एक बार फिर से बता दें कि जदयू के महादलित प्रकोष्ठ सिवान के जिलाध्यक्ष संतोष बांसफोर जी महादलित प्रकोष्ठ के विस्तार करते हुए नौतन में परमात्मा कुमार राम के जिला अध्यक्ष मनोनीत कैनी हैं और इस संदेश देनी हैं कि यह तरीके से पार्टी मजबूत हुई, महादलित के विकास हुई, महादलित प्रकोष्ठ के विस्तार से महादलित और मजबूत हुई हैं और संतोष बांसफोर जी के नेतृत्व में पार्टी दिन प्रतिदिन विस्तार करत रही और मजबूत होत रही। आज बड़ी खुशी की बात है कि इस संगठन के विकास के मुद्दे पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं तो आपस में कुछ चर्चा करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप सब अपना कीमती समय निकाल करके हम लोग के बीच उपस्थित हुए हैं ताकि संगठन के विकास के बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर सकें। जहां तक बात है संगठन का तो सारे जो वरिष्ठ नेता है हमेशा लगे रहते हैं और उनके मार्गदर्शन में जो भी छोटा मोटा कार्यक्रम होता है हम लोग भी उसमें समय अपना निकाल करके सम्मिलित होते हैं। अब लग गया कि हम लोग थोड़ा सा व्यवसायिक वर्ग से आते हैं तो अपने व्यवसाय के चलते समय ज्यादा नहीं दे पाते हैं, फिर भी हम लोग का ये प्रयास होता है कि संगठन के विकास के बारे में जब भी कोई मौका मिले अपना जो भी छोटा मोटा भूमिका है निभाया जाए। और इस तरह से जब हम लोग का कोई बैठक होता है तो उसे हम लोग के अंदर नया ऊर्जा का संचार होता है और आगे जाकर के जो दिशा निर्देश मिलता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ।